नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के दशाश्वमेध भवन के पास। और काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से आ चुका हूँ अपने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के पास। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दशाश्वमेध घाट के नज़ारे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है दशाश्वमेध भवन, जिसे दशाश्वमेध प्लाजा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आपको बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं आखिर दशाश्वमेध का क्या हाल है। ठीक है दोस्तों, पानी आखिर कितना कम हुआ है, कितना बढ़ा, तो वीडियो में कंटिन्यू बन रहिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सामने जो रास्ता देख रहे हैं, अगर सीधे अगर चले जाएंगे तो सीधे गोदौलिया के लिए निकल जाएंगे, गोदौलिया चौराहे के लिए। वही अगर आप दाहिने साइड में जाएंगे तो पहुंच जाएंगे दशाश्वमेध घाट के लिए। और ये है दशाश्वमेध भवन का, ये है बाहर का नज़ारा। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बैठने के लिए कई सारे बेंच लगे हुए हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और इसके बारे में, इस फर्श के बारे में बात किया है, तो ये देख रहे हैं चारों तरफ देखेंगे तो आपको गंदगी नज़र आएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, अगर यही अगर आप उस साइड से जाएंगे तो उस साइड दशाश्वमेध सब्जी मार्केट होते हुए भी दशाश्वमेध घाट के लिए चले जाएंगे। तो फिलहाल चलिए मैं इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो मेन जो रास्ता था आने के लिए, वहाँ पर देख रहे हैं बांस बल्ली लगाया गया है कि यानी कोई अंदर आ ना सके या फिर अपना वाहन अंदर लेकर ना आ सके, तो इसी के देखते हुए बनाया गया है। और यहाँ से तो कोई भी आ सकता है। तो फिलहाल चलते हैं बढ़ते आगे। और इस साइड देखिए पार्किंग एरिया बन गया है। ये देख रहे हैं, ये नहा कर आने वालों का भीड़ है और नहाने जाने वालों का भीड़ है। और चलिए देखते हैं आखिर पानी कितना कम हुआ। और आने वाले कुछ महीनों में आपका है देव दीपावली, तो काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ रहता है और काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है देव दीपावली अपने काशी का। ये देखिए, देख रहे हैं बहुत खूबसूरत ये एक मंदिर भी है। और यहाँ पर देखिए एक साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि जो यूट्यूबर भाई अगर बाहर से आ रहे हैं तो इसे भी पढ़ लीजिएगा, बिना अनुमति के ड्रोन कैमरा उड़ाना प्रतिबंधित है, यानी कि आपको परमिशन लेना होगा इस एरिया में ड्रोन उड़ाने के लिए। और इस साइड सामने देखिए एक ऑफिस है जल पुलिस विभाग का। और नाव के बारे में बात किया है, तो नाव देखिए अब जो नाव का संचालन जो बंद था वह फिर से शुरू हो चुका है। देख रहे हैं अब विदेशों का भी सैलानी आपको नजर आएंगे, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं, तो चलिए लेकर चलते हैं नीचे, उसके बाद बताते हैं कि वाकई कितना आखिर पानी कम हुआ। चलिए बढ़िया बढ़िया गुरु बोर्ड जा रहा है, तो दोस्तों ये सब देखने के बाद मैं आपको बता दूं कि यानी कि अभी भी उतना पानी गंगा का जल स्तर कम नहीं हुआ है कि यानी कि एक घाट से दूसरे घाट जाया जा सकता है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं नहाने वालों का भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। अगर वही अगर आगे उस साइड भी थोड़ा सा दशाश्वमेध घाट का हिस्सा है, यानी कि आप उस साइड भी आप नहीं जा सकते हैं। और ऐसा ही अगर देखा जाए तो इस साइड बाएं साइड में देख रहे हैं, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर बना हुआ आपका सीवेज पंपिंग स्टेशन। ये देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त चहल पहल है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। नहीं तो आते समय जल पुलिस के पास आपकी बोट रोक दी जाएगी, अभी तत्काल तुरंत उनको पहुंचाइए। तो चलिए दोस्तों इस साइड से चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल जो चौतरा है वहाँ का, मैं वहाँ पर भी मैं आपको लेकर चलूँगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा महिलाओं जो है स्नान करके कपड़ा बदल रही हैं, तो इसकी वजह से जगह नहीं हो पा रहा है, तो ऊपर से ही चलते हैं।
देख रहे हैं, ये भीड़ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि गंगा का जलस्तर अभी फिलहाल उतना कम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जगह कम है, उसकी वजह से देखने में लग रहा है कि भीड़ बहुत कम है। सॉरी, भीड़ बहुत ज़्यादा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने लगभग 15 से 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो ये जो चौतरा देख रहे हैं ये पूरा लगभग 2 फीट पानी में यह डूबा हुआ था। फिलहाल देख रहे हैं गंगा का जलस्तर इतना कम हो चुका है, यानी कि ये जो फर्श है ये तो दिख रहा है लेकिन एक लेवल में पानी है। ये देख रहे हैं फर्श के लेवल में पानी जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे उस साइड देख रहे हैं पूरा पानी टच करते हुए अभी जा रहा है। ये देखिए, और गंगा का बहाव अभी भी जारी है। अब देखिए, अगर यही पर अगर आप राजेंद्र प्रसाद घाट आगे अगर आपको काशी विश्वनाथ धाम या फिर मीर घाट या फिर गंगा महल घाट जाना है तो आप नहीं जा पाएंगे इस माध्यम से, यानी कि ऊपर से अगर आपको जाना होगा तो ऊपर साइड से आप यानी कि मान महल घाट के लिए जा सकते हैं। देख रहे हैं बहाव अभी भी जारी है काफ़ी ज़बरदस्त। ये सामने जो पुल देख रहे हैं वो है राजघाट पुल, जिसे मालवीय पुल के नाम से जाना जाता है। इस पुल की सबसे खास बात यह है कि नीचे से ट्रेन गुजरता है और ऊपर से वाहनें। ये देख रहे हैं दोस्तों, और देखिए यहीं पर एक सीढ़ी है, सीढ़ी के माध्यम से भी आप राजेंद्र प्रसाद सब्जी मार्केट होते हुए जो कि गदौलिया के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो यानी कि ये पूरा जो एरिया है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट और दशाश्वमेध घाट है। मैं एक रास्ते से मैं और आपको लेकर चल रहा हूँ दशाश्वमेध घाट के आगे, तो उसके लिए गली के माध्यम से होते हुए सब्जी मार्केट होते हुए फिर से जाना होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस पार्क से होते हुए चलते हैं उस पार सब्जी मार्केट दशाश्वमेध, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे दशाश्वमेध घाट साइड में। ये देख रहे हैं ये सब्जी मार्केट, ये देखिए इमली बिकते हुए नजर आ रहा होगा आपको सामने। ये देख रहे हैं केला का फूल, केला ये देख रहे हैं, थोड़ा जो सूर्य का रोशनी सीधे कैमरे के लेंस पे आ रहा होगा तो उसकी वजह से वीडियो जो है वो थोड़ा काला टाइप आ रहा होगा। यार कि देखा जाए तो ये इस घाट के नुक्कड़ तक जो ये है सब्जी मार्केट समाप्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से यहाँ पर एक वाटर कूलर लगा हुआ है ठंडा पानी पीने के लिए। आगाही बढ़ने के बाद दाहिने साइड में है माँ गंगा का मंदिर और उसके बगल में ही है काली जी का मंदिर। ये देख रहे इस साइड, ये देखिए अभी भी घाट देख रहे हैं, ये दशाश्वमेध घाट यानी कि ये शीतला घाट से सटा हुआ है। तो यहाँ का हाल कुछ इस प्रकार है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो कि गंगा का जलस्तर अभी भी जितना कम होना चाहिए उतना कम नहीं हुआ है इस बार। ये देख रहे हैं यानी कि इस साइड से आप शीतला मंदिर के लिए जा सकते हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे उस साइड है शीतला जी का मंदिर और यहाँ पर फूल मालाएं प्रसाद नारियल चुनरी आपको मिल जाएगा। ये देख रहे हैं,
तो देखा है तो ये मेन प्रवेश द्वार है सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी के माध्यम से आप ऊपर जा सकते हैं। फिलहाल देखा है तो अभी भी ये देख रहे हैं थोड़ा मिट्टी का ढेर अभी भी जमा है। तो चलिए इस साइड से चलते हैं और आगे जाने के बाद यहीं पर मैं वीडियो समाप्त करूँगा। हालांकि देखा है जो गंगा का जल स्तर यानी कि जब बाढ़ आ जाता है तो पूरा ये जो घाट देख रहे हैं ये पूरा डूब जाता है, यानी कि ये ऊपर जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं वहाँ तक पूरा पानी चला जाता है और उसके ऊपर भी जो सब्जी मार्केट है थोड़ा कुछ मीटर अंदर तक भी चला जाता है पानी। ये देखिए इस साइड पूजा हो रहा है और सामने स्नान ये देख रहे हैं, यानी कि आप इस साइड से आप उस साइड नहीं जा सकते हैं। ये देख रहे हैं अभी भी देखा है तो यानी कि वाराणसी के घाटों को पैदल आप नहीं घूम सकते हैं। हाँ ये है कि बोट के माध्यम से आप वाराणसी के सभी घाटों पर नज़ारा ले सकते हैं घाटों का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो कि सामने देख रहे हैं नावें चल रही है। तो यही है नज़ारा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।